वेलकम टू इन केमिस्ट्री की कक्षा। मेरा नाम है हिमांशु और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज का 6th लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ ही पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर भी हमारे राउट्स लॉ पे ही था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, राउट्स लॉ था लेकिन राउट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में हमने किया था, वो वाला लॉ देखा था, जिसके अंदर हम क्या कहते थे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि नॉन वोलेटाइल यानी कि जो अपने आप इवापोरेट ना हो सके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो अपने आप इवापोरेट ना हो सके, ठीक है, वो सेक्शन को हमने लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया था। ओके, आज हम क्या देखेंगे, राउट्स लॉ डिजोल्विंग ऑफ अ लिक्विड इन अ डिजोल्विंग ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड में है, ठीक है, हमारा और जो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे, तो सॉल्वेंट में किस में होगा, लिक्विड में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, जो दोनों टर्म लिक्विड में है मिलके क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बना देते, वो भी लिक्विड में बना जाते हैं। तो ये राउट्स लॉ में क्या बताता है, ठीक है, तो ये हमें राउट्स लॉ का ये हमारा स्टेटमेंट होता है। ओके, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एन लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, समझते हैं राउट्स लॉ को, उसका स्टेटमेंट देखो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे बनाए हमने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के, और सॉल्यूट भी लिक्विड में और सॉल्वेंट भी लिक्विड में, दोनों ही हमारे पास लिक्विड में, ठीक है ना, तो हम डेफिनेशन ये बोलते कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल लिक्विड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों लिक्विड को हम डिजोल्व करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो दोनों ही अपना पार्शियल प्रेशर बनाएगा, ठीक है, दोनों का खुद का पार्शियल प्रेशर होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, खुद के मोल फ्रैक्शन, जो खुद के मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, सॉल्यूट का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, और आफ्टर ओवरऑल क्या हम उन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना देते, ठीक है, तो ओवरऑल दोनों के खुद के सॉल्यूशन के अंदर खुद खुद के मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, और जिससे क्या होगा, जिसका जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर की हमने टर्म देखी थी, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो लिक्विड अपना क्या करता है, अपना उसको जब हम कोई भी लिक्विड को टेम्परेचर देंगे, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर देंगे तो अपना एक प्रेशर वेपर बनाएगा, ठीक है, लिक्विड क्या फॉर्म करता है, अपना वेपर फॉर्म करता है, वही उसका वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है, दोनों का खुद खुद का अपना वेपर क्रिएट करते हैं, खुद का अपना एक वेपर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, जब हम उनको मिला देंगे सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी वो खुद खुद का वेपर वेपर होगा, सॉल्यूशन के अंदर वो खुद का वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो है, वही है राउट्स लॉ, राउट्स लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल लिक्विड यानी कि जो अपने आप इवेपोरेट हो जाए पैसा, ठीक है, तो वो लिक्विड है, ठीक है, मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही, मान लो अगर हम उन्हें ओपन में रख देते, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही इवापोरेट होके एनवायरमेंट में मिल जाता है, ठीक है, तो उसे वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा हर वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन के अंदर वो किससे डिपेंड करेगा, वो उनके खुद के ही मोल फ्रैक्शन से डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मोल्स होंगे, ठीक है, मान लो जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर वोलेटाइल लिक्विड के मोल होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही वो क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर बना पाएगा, ठीक है, वही स्टेटमेंट हमें क्या देता है, वही हमें राउट्स लॉ बताता है, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं, मान लो मैं सॉल्यूट ले लेता, ठीक है, ये जो हमारे पास लिक्विड दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये क्या हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है, ये सॉल्वेंट, ठीक है, रेड कलर का क्या सॉल्यूट है और ब्लू कलर का जो आपको लिक्विड दिख रहा है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, कंपाउंड ए सॉल्यूट और कंपाउंड बी है सॉल्वेंट, ठीक है, और इस तरफ आपको दिख रहा है तो ये है सॉल्यूशन, जो हमने इन दोनों को मिलके क्या बना दिया, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हमें पता है, ठीक है, तो हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया, तो यहाँ देख सकते हैं रेड लिक्विड भी और हमारे पास ब्लू लिक्विड भी, ठीक है, मतलब सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी डिजोल्व है, अच्छा चलो, तो ये जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट का कुछ मोर, ठीक है, ये जो सॉल्यूट का आपको ऊपर दिख रहा है ये उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है, जो सॉल्यूट हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड होगा, ठीक है, तो ये सॉल्यूट है तो इसका ये जो ऊपर है ये इसका खुद का वेपर प्रेशर है, अभी सिर्फ ये सॉल्यूट कंपाउंड है, ठीक है, वैसे ये सॉल्वेंट है, तो देखो आप ये ब्लू ब्लू कलर के ऊपर देख रहे हो, ये इसका क्या, इसका खुद का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा ये अमाउंट होगा उतना ज्यादा, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा अगर ये लिक्विड होगा उतने ज्यादा उसका वेपर प्रेशर बना पाएगा,
ठीक है, तो उसके मोल्स पे डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनली हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के में भी आप देख सकते हो, तो अब सॉल्यूशन भी बन जाएगा, ठीक है। पर है तो दोनों लिक्विड ही, तो दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर भी क्या है, दोनों अपना खुद खुद का वेपर प्रेशर बनाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, रेड है यहाँ पे हमारे पास, वो किसका है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद भी वो तो लिक्विड है, वो तो अपना वेपर प्रेशर बनाएगा ऐसे। लेकिन राउट्स लॉ में ये समझाता है कि जो ये वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर जो बना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसी सब्सटेंस के पर्टिकुलर, मान लो जो सॉल्यूशन के अंदर रेड वेपर प्रेशर बना, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बन रहा है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो जितना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा मोल सॉल्यूट के होंगे, जितना ज्यादा मोल्स का हो या जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही ज्यादा उसका सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, उसके ज्यादा उतना वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। यही हमें राउट्स लॉ बताता है, ठीक है। मान लो अगर सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका अमाउंट जो हमारा दूसरा लिक्विड है, ठीक है, ब्लू कलर का है, ठीक है, वो भी जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही ज्यादा क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर उसका वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। आखिरकार दोनों ही वॉलेंटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो यही हमें स्टेटमेंट समझाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेंटाइल लिक्विड, ठीक है। तो आप पार्शियल प्रेशर देख सकते हो, हर एक वॉलेंटाइल लिक्विड है, दो वॉलेंटाइल लिक्विड लिया हमने, ठीक है, रेड वाला और ब्लू वाला दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमें ये कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेंटाइल लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो हर एक का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर ये रहा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दर मोल फ्रैक्शन जो हमने अभी बात करी, ठीक है। तो जितने ज्यादा उसकी अमाउंट होगी, मान लो रेड वाले लिक्विड की जितनी ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट होगी, उतना ही ज्यादा उसका सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगा, उसका वेपर प्रेशर बनेगा। ब्लू वाले की जितने ज्यादा अमाउंट होगी लिक्विड की, ब्लू वाले लिक्विड की, तो उतना ही ज्यादा उसका क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो यही राउल्ट्स लॉ कहता है, ठीक है। तो यही राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेंटाइल लिक्विड इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेंटाइल लिक्विड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो यही हमारे पास राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है, जो कि हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा अमाउंट पर्टिकुलर दो लिक्विड से मिलकर हम सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। लिक्विड होगा या सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, ये वाला लॉ है वो सिर्फ सॉलिड सॉल्यूट भी होगा हमारे पास वॉलेंटाइल लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट भी हमारे पास वॉलेंटाइल लिक्विड होगा, वही लॉ है, उसी पे वैलिड है, ठीक है। तो उनकी जितनी ज्यादा अमाउंट होगी सॉल्यूशन के अंदर, वो उतना ही ज्यादा अमाउंट में अपना वेपर प्रेशर बनाए सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यही हमें राउल्ट्स लॉ बताता है, ठीक है। ओके, तो अब अपने देखते हैं राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा, ठीक है, उसका लॉ का अब जो डेरिवेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सॉल्यूट को कंपाउंड ए, जैसे हमने यहाँ नीचे डायग्राम बनाए थे दो, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट को हमने कंपाउंड ए लिया था, और सॉल्वेंट को क्या लिया था, कंपाउंड बी लिया था, ठीक है। तो यहाँ हम पहले तो वो स्टेट कर देते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट हमारा है, सॉल्यूट है हमारा यहाँ, ठीक है, सॉल्यूट है जो हैज अ कंपाउंड ए है, क्या है, एज अ कंपाउंड ए है, ठीक है, वो क्या है, एज अ कंपाउंड ए है, ठीक है, और सॉल्वेंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट था एज अ कंपाउंड बी था, सॉल्वेंट एज अ कंपाउंड बी था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म रहती है डेरिवेशन के अंदर, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड हमारे पास सॉल्यूट और कौन सा कंपाउंड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम पूरा डेरिवेशन ए और बी के टर्म में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ए वाला कंपाउंड है, ठीक है, वो सॉल्यूट है, और बी वाला है हमारे पास जो बी वाला लिक्विड का सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है, वो बी बी था, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, तो हमने ये बात देखी थी राउल्ट्स लॉ के अंदर, हमें ये बात तो पता चल गई थी कि अगर मान लो मेरे पास सॉलिड सॉल्वेंट को मिलकर लास्ट में जो सॉल्यूशन बना था, ठीक है, तो उस दोनों ही लिक्विड है, सॉलिड भी लिक्विड में और सॉल्वेंट भी लिक्विड में, तो दोनों ही खुद का क्या बनाएंगे, ऊपर दोनों का खुद का वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, दोनों का खुद का क्या बनेगा, पार्शियली वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। और वो जो उनका वेपर प्रेशर बना, ठीक है, तो वो जितना ज्यादा अमाउंट में वो लिक्विड होगा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, मान लो दोनों लिक्विड की अमाउंट डिपेंड करती है, ठीक है, वो मान लो उनके मोल्स दोनों लिक्विड में से कोई एक लिक्विड का अगर मोल ज्यादा होगा, एक लिक्विड का दोनों में से किसी का एक का मोल ज्यादा हुआ या एक का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो सीधी सी बात है उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर वो किस पे यहाँ डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली उनके
मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों का ले लेते हैं, ठीक है। मान लो सॉल्यूट था, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर दोनों के खुद के ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो पीए, पीए क्या है, पीए क्या है, तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड ए, पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड ए, तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसके ही मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा अमाउंट में कंपाउंड ए होगा, उतना ही ज्यादा अमाउंट में वो क्या बना पाएगा, उसका वेपर प्रेशर बना जाएगा, पीए बना पाएगा। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वेयर एक्स है इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड ए, ठीक है। ओके, तो अब हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो हम एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी नई टर्म क्या रहेगी, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी जीरो ए इंटू में एक्स ए। पी जीरो ए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारी टर्म हम क्या करते हैं, नीचे सारी टर्म के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो पी ए, सबसे पहले पी ए के बारे में लिख देते, ठीक है। तो पी ए क्या है हमारे पास, तो पी है हमारे पास, ठीक है, पी है हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है, पी है हमारे पास वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड, वेपर प्रेशर कंपाउंड ए का या फिर लिक्विड ए कह देते, ठीक है, दोनों ही लिक्विड में, तो हम लिक्विड ए ए कह देते, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए, ठीक है। जो हमारे पास ए वाला लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी ए। एक्स से क्या है, एक्स से क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए, लिक्विड ए का क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शनल, मोल फ्रैक्शनल ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, ठीक है। पी जीरो ए क्या है, पी जीरो ए क्या है, ये है वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर भी हमने राउट्स लॉ का जो नॉन वोलेटाइल डिजोल्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट करते थे हम, तो उसमें भी हमने पी जीरो वाली टर्म इंट्रोड्यूस करी थी। वहां पे हमने देखा था कि पी जीरो ए क्या होता है, पी जीरो होता है वो प्योर वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। मान लो पर्टिकुलर जब उसे हम सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं करते, ठीक है, और पर्टिकुलरली वो एक सेपरेटली जब हमारे पास लिक्विड रहता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ डिजोल्व नहीं किया अभी, वैसा वो प्योर लिक्विड होगा, ठीक है। तो प्योर लिक्विड का अपना खुद का जो वेपर प्रेशर बनता है उसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर, क्या कहते हैं उसका, प्योर वेपर प्रेशर। जो प्योर लिक्विड होगा जिसके अंदर हमने कुछ नहीं मिक्स नहीं किया है, तो सीधी सी बात है जो वेपर बनेगा वो खुद का ही होगा, ठीक है। इसलिए हम पी जीरो वाली टर्म को कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर, उसके अंदर कुछ और मिक्स नहीं होता है, ठीक है, और कुछ डिजोल्व नहीं होता है। तो पी जीरो ए है, तो हम क्या कहेंगे, ये है हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए टर्म, ए क्या है, लिक्विड ए, ठीक है, ए क्या है हमारे पास, लिक्विड है, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, पी जीरो यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड ए, वो क्या है हमारे पास, पी जीरो है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ लिक्विड, लिक्विड ए। अच्छा चलो, वैसे ही, ठीक है, अच्छा वैसे ही हम इस तरफ वाली टर्म को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लिक्विड बी जो कि एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम लिक्विड बी के तरफ आते हैं, ठीक है, उसको भी हम ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हमने ये लिक्विड ए को सॉल्व किया वैसे लिक्विड बी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन के अंदर दो लिक्विड से मिलकर बनाए, लिक्विड ए और लिक्विड बी से मिलकर हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड बी भी है, और सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड बी के साथ साथ लिक्विड बी का अमाउंट होगा, लिक्विड बी खुद होगा, ठीक है, तभी तो उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा लिक्विड बी होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड बी का वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा लिक्विड बी होगा उतना ही तो वो अपना वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो भाई यहाँ भी लिक्विड जो हमारे पास बी होगा, ठीक है, लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी किससे डिपेंड करेगा, लिक्विड बी के जो सॉल्यूशन के अमाउंट होगी उससे डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी ये किससे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। ओके, तो बी का पार्ट वेपर प्रेशर किससे डिपेंड करेगा, बी की अमाउंट से, बी के मोल से, ठीक है, लिक्विड बी के ही मोल से, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन के डिजोल्व है उससे करेगा। तो वो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको हटाते हैं,
ठीक है, तो हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे वहां P0A करी थी, वैसे यहाँ P0B कर देंगे, ठीक है, P0P, तो जैसे वो P0A था वैसे ये P0B है, सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है, P0B क्या है, तो सेम एज इट इज, जब लिक्विड बी होगा जिसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो प्योर लिक्विड होगा, लिक्विड बी, जब प्योर लिक्विड बी होगा उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करेंगे, तब उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो उसका प्योर खुद का ही वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो खुद का ही लिक्विड बी का प्योर वेपर प्रेशर होगा, तो वो हो जाएगा P0B। ओके, तो वैसे हम यहाँ अलग अलग टर्म लिख देते हैं, ठीक है, PB क्या है, जैसे यहाँ था PA था, ठीक है, जैसे यहाँ PA था वैसे यहाँ पे PB है, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ लिक्विड बी, ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, इन इन सॉल्यूशन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इन सॉल्यूशन लिखना, ठीक है, इन सॉल्यूशन लिखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा पीबी क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, पीबी है वो सॉल्यूशन के अंदर का है, ठीक है, और P0B लिखोगे तो तब आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है, वैसे एक्स भी क्या है, एक्स भी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शनल ऑफ ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, लिक्विड बी का क्या है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन है, अच्छा चलो, वैसे ही P0B जो कि अभी हमने बताया, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ लिक्विड बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बहुत ही ज्यादा, ठीक है, इसका अच्छा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन रहता है, ठीक है, एक तरफ आपको दिख रहा होगा जो हमारे पास पहला लिक्विड ए था, एक तरफ है लिक्विड बी, ठीक है, तो हमने जैसे कि राउल्ट्स लॉ ने हमें बताया कि जब भी आप दो वॉलेंटाइल लिक्विड से मिलके सॉल्यूशन बनाते हो तो उस सॉल्यूशन के अंदर वो दोनों ही लिक्विड होंगे, वॉलेंटाइल होंगे, तो दोनों खुद का वेपर प्रेशर बनाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, और जो खुद का वेपर प्रेशर बनाएंगे सॉल्यूशन के अंदर वो सीधा का सीधा उनके मोल्स सॉल्यूशन के अंदर, वो पर्टिकुलर लिक्विड के मोल्स कितने, ठीक है, उससे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वो लिक्विड्स के मोल होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतने ही ज्यादा वो क्या करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर उनका वेपर प्रेशर बना पाएंगे, तो वही हमने, तो वही सीधा सा स्टेटमेंट हमने डेरिवेशन में किया कि भाई पी ए क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, उसके खुद के मोल फ्रैक्शन से, एक्स ऑफ ए, ठीक है, तो उन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया हमने और नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, वो P0 है, ठीक है, प्योर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, वो हम कहेंगे P0 है जो कि लिक्विड है का प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो ये रह जाती है हमारे पास इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रह जाता है दोनों का, ठीक है, यहाँ ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक तो P A = P0 into x of a और P B = P0B into x of b, अच्छा, तो अब ये तो बात कर ली हमने सॉल्यूशन के अंदर की दोनों की, देखिए सॉल्यूशन के अंदर पी का लेके लिक्विड बी का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो इतना होगा सॉल्यूशन के अंदर, अगर हमें बोला जाए कि फाइंड द पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी दो लिक्विड दे देंगे, तो उसमें से मान लो जो हमने दूसरा वाला उसको हम लिक्विड बी ले लेते हैं, ठीक है, तो लिक्विड बी का फाइंड करो तो इसकी फॉर्मूला हो जाती है, ठीक है, PB = P0 × x of b, अब अपने को बोला जाए ये तो पर्टिकुलर दोनों लिक्विड की खुद खुद के सॉल्यूशन के अंदर की खुद के क्या वेपर प्रेशर, अब टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा, दोनों का वेपर प्रेशर को मिलाएंगे तो टोटल किसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है, तो हमें फाइनली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो हमें पता चल गया, उसकी इक्वेशन में मिल गई कि क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू क्या है इसकी इक्वेशन, P0A × x of a, वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी कितनी मिली थी हमें, P0B × x of b,
ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई टोटल जो सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड ए की वेपर प्रेशर बनी वो ये है, और सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड बी की वेपर प्रेशर बनी वो ये रही। लेकिन अब टोटल सॉल्यूशन पे, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन के जो लिक्विड है उन दोनों को मिला के कितनी वेपर प्रेशर बनती वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों को मिला के कितनी वेपर प्रेशर बनेगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पी टोटल क्या ले लेते हैं, पी टोटल, ठीक है, पी टोटल यानी कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों की ही वेपर प्रेशर को मिला के पी टोटल ले लेते, पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, तो जितना लिक्विड होगा उन सब का वेपर प्रेशर का एडिशन कर देते, तो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है सॉल्यूशन के अंदर, तो बस लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर का हम एडिशन कर देते, तो पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी टोटल किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के एडिशन के बराबर पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो पी ए और पी बी की वैल्यू हमें पता है वो हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, कितनी है, कितनी है, पी ए की वैल्यू पी जीरो है इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी बी की कितनी है, ये रही पी जीरो बी इंटू एक्स ऑफ बी। अच्छा चलो, तो अब हमें मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, एक मोल फ्रैक्शन के बारे में हम नॉर्मली पिछले लेक्चर में भी इसी की बात करी थी हमने। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा रहता है मोल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, वो ये रहता है कि मान लो पर्टिकुलर एक कंपाउंड, ये एक सॉल्यूशन अलग अलग सब्सटेंट से मिलके बनता है। ठीक है, पर्टिकुलर मान लो जैसे कि हमने ये सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, वो दो लिक्विड से मिलके बना। ठीक है, तो वो दो लिक्विड का खुद का मोल फ्रैक्शन होगा, खुद खुद का एक दो लिक्विड है तो उनका पहला लिक्विड का कुछ और मोल फ्रैक्शन होगा, दूसरा लिक्विड का कुछ और मोल फ्रैक्शन होगा। लेकिन जब हम उनका एडिशन करेंगे, मोल फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, तो आंसर कितना आता है, वन आता है। ठीक है, चाहे सॉल्यूशन दो से मिलकर बना हो, तीन सब्सटेंट से मिलकर बना हो सॉल्यूशन के अंदर, चाहे कितने भी सब्सटेंट हो अलग अलग, लेकिन जब हम उनके मोल फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो कितना आता है, वन आता है। कितना आता है, वन आता है। ठीक है, तो वो हमें पता है। ठीक है, कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी बात करी थी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ प्लस एक्स ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, वन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन दो ही मिलकर बना है। ठीक है, दो मोल, ठीक है, दो ही लिक्विड से बन के मिलकर बना है। ठीक है, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन लेंगे तो उन दोनों का कितना आएगा, वन के बराबर आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स ऑफ बी को सब्जेक्ट बना दो, एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इक्वल टू वन है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ बी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स ऑफ ए हो जाएगा। वो हम यहाँ पुट कर दो, एक्स ऑफ बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, ये पूरी टर्म तो ऐसे की वैसे जगह पी जीरो ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी जीरो बी ऐसे कैसा रहेगा, एक्स ऑफ बी की जगह ये रख दो, वन माइनस एक्स ऑफ ए, वन माइनस एक्स ऑफ ए। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, तो अंदर ठीक है, अब ये पी जीरो बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पी जीरो ए इंटू एक्स ऑफ ए तो अभी भी ऐसा कैसा ही है। ठीक है, ए पी जीरो बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पी जीरो बी माइनस पी जीरो बी इंटू 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 एक्स ऑफ ए, पी जीरो बी इंटू एक्स ऑफ ए। तो ये मेन अपना पी टोटल निकालने का मेन फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये है अपना पी टोटल फाइंड करने का मेन फॉर्मूला। अगर हम यहाँ तक करेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है, अगर आप इसे याद रखो, ठीक है, ये यहाँ तक भी करोगे फिर भी चलेगा, ये अपना पी टोटल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पी टोटल क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जितने ज्यादा लिक्विड होंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उनका जितना ज्यादा पी क्या है, तो पी टोटल है, तो भाई सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जितने अलग अलग लिक्विड होंगे उन सारे का वो वेपर प्रेशर का क्या करेंगे, हम एडिशन कर देंगे। तो यहाँ कितने थे, दो लिक्विड थे, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, फिर हमने एक्स ऑफ बी की जगह क्या लिख दिया, तो हमें पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन का फंडा, एक कंपाउंड के अंदर जितने ज्यादा सब्सटेंस होंगे उन सारों का मोल फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, वन। यहाँ दो ही लिक्विड थे, दो ही सब्सटेंस, देखिए दो ही कंपाउंड आते थे, तो एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ इक्वल टू वन, वहां से एक्स ऑफ बी को सब्जेक्ट बनाते तो वन माइनस एक्स ऑफ ए हो गया हमारे पास। ठीक है, और उसी से ये मेन डेरिवेशन बन जाता है।
अच्छा चलो लास्ट में हम बात कर लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं राउट्स लॉ का। ठीक है, तो इस तरफ आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ये जो लाइन है ये हमें बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ये लाइन है हमें बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, बी का वेपर प्रेशर इस तरफ दिख रहा है आपको, और ये लाइन हमें बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, तो अब देखो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है वो लिक्विड बी के वेपर प्रेशर से कम है, क्योंकि तो हमने शुरुआत में लिक्विड ए है वो एज ए सॉल्यूट लिया था और लिक्विड भी ऐसे सॉल्वेंट किया था, और मैं पता है सॉल्यूट किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, और जो सॉल्यूट होता है वो लोअर प्रोपोर्शन में होता है सॉल्यूशन के अंदर कंपेयर टू सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए लिक्विड ए का अमाउंट कम था, तो इसलिए उसका जो ग्राफ बनेगा ठीक है तो उसका प्रेशर बनेगा वो कम बनेगा, और जो बी है वो सॉल्वेंट उसका अमाउंट ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा बनेगा, और जहां पे वो खत्म होता है ना जहाँ पे उनका वेपर प्रेशर बन जाता है ठीक है, तो अब फाइनल जब उनको सॉल्यूशन बनाएंगे ठीक है, जितना उनका वेपर प्रेशर बनता था जब उनको सॉल्यूशन बना देते ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है वो आपको पी टोटल की दिख रही है ठीक है, जहाँ पे उनका टोटल जहाँ पे सॉल्यूशन बनता है और जहाँ पे सॉल्यूशन जहाँ पे हम इन दोनों का एडिशन करते थे वेपर प्रेशर का, तो ये लाइन दिख रही है आपको इनकॉर्ड दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जो ए का वेपर प्रेशर कम है और लिक्विड बी का वो ज्यादा है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा पी टोटल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ देख लो ये जो लाइन है वो किसकी है, इस तरफ वाली जो से बता देगा लिक्विड ए की, और ये किसकी लिक्विड बी की है, यहाँ देखो ये लिक्विड किसकी, लिक्विड ए की, एक्स ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है नहीं 0 है, और यहाँ पे ये जो लाइन है वो लिक्विड बी की है, ये जो वेपर प्रेशर आपको दिख रहा है वो जो लाइन दिख रही है वो किसकी है लिक्विड बी की, देख लो आप लिक्विड ए यहाँ पे नहीं है, ए का कोई मोल फ्रैक्शन यहाँ है ही नहीं, यहाँ किसका है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी का है कितना 1। ठीक है, हमने बात करी थी मोल फ्रैक्शन कोई भी कंपाउंड के अंदर जितने ज्यादा सब्सटेंस होगा उनका मोल फ्रैक्शन उसका एडिशन करने पे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी है जिसका मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1 के बराबर, तो यहाँ सिर्फ बी है, ये लिक्विड बी का ग्राफ, लिक्विड ए का ग्राफ किसका वेपर प्रेशर का, तो ये उनका ग्राफ है। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ऑलमोस्ट हमने नॉन वैलेंट एंड वॉलेंटाइल के अंदर डिजोल्व किया था वो उसके पहले देखा था। ठीक है, और ये इस लेक्चर में हम देखा कि जब हम कोई भी वॉलेंटाइल लिक्विड का लिक्विड को लिक्विड सॉल्यूड को वॉलेंटाइल लिक्विड सॉल्यूट के अंदर डिजोल्व करेंगे तो दोनों का खुद का वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और दोनों का वेपर प्रेशर ठीक है किस पर डिपेंड करेगा, खुद की अमाउंट जो सॉल्यूशन के अंदर होगी उस पर डिपेंड करेगा, खुद की अमाउंट ज्यादा होगी तो खुद का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो और वो लिक्विड ए है यहाँ एज ए सॉल्यूट लिया हमने और लिक्विड बी है यहाँ एज ए सॉल्वेंट लिया। ठीक